गुड मॉर्निंग। सो लास्ट टाइम हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने 10 तक पूरा पढ़ा था, ठीक है। लास्ट टाइम हमने 10 तक पढ़ा था ना, याद है आपको? ओके सो आज हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 11 क्वेश्चन से अपना स्टार्ट करेंगे। ओके तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। हाउ मेनी वन डिजिट नंबर आर देयर? तो इसमें क्या करना है हमें कि हमें बताना है कि टोटल जो वन डिजिट नंबर होते हैं वो कितने होते हैं। तो आपको पता है कितने होते हैं? हम काउंट करते हैं। देखिए हम कहां से स्टार्ट करेंगे? जीरो से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक के है वन डिजिट नंबर है, क्योंकि 10 जो हमारा वो टू डिजिट नंबर हो जाता है। तो 9 तक हमने काउंट किया तो कितना आया? 10। ओके सो हमारे पास वन डिजिट नंबर कितने होते हैं? 10। तो हम इसको यहां पर लिख देते हैं 10। ओके तो वैसे ही जैसे यहां पे मैंने बता दिया, वैसे ही आप काउंट करेंगे कि हाउ मेनी टू डिजिट नंबर आर देयर। तो हम टू डिजिट कहां से काउंट करेंगे? 10 से लेके पूरा 99 तक। तो कितना आएगा वो काउंट करके आप यहाँ पे लिखेंगे। तो वो काउंट करने पे कितना आएगा? 10 से 99, क्योंकि 100 हम नहीं काउंट करेंगे, बिकॉज 100 क्या है? हमारा थ्री डिजिट नंबर है। ओके सो 9 से 99 तक कितना होता है हमारा? 90 नंबर्स होते हैं। ओके एंड थर्ड वाला देखिए क्या है। हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर आर देयर? सो थ्री डिजिट नंबर कितने होते हैं? कहाँ से हम काउंट करेंगे? 100 से लेके 999 तक। तो उसमें हमारे कितने नंबर्स आते हैं वो भी मैं बता देती हूँ आपको, 900 नंबर्स आते हैं। ओके तो मैंने ये 3 आपके लिए पूरा कर दिया है, इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, फिल इन द बॉक्स विद अ सिंबल ऑफ ग्रेटर देन और लेस देन। इसमें क्या करना है कि आपको नंबर कंपेयर करने, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 नंबर दिए गए हैं, इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है ये आपको पता करना है, और जो नंबर बड़ा है उसकी तरफ आपको क्या कर देना है? ग्रेटर देन की साइन लगा देना है। ओके तो देखिए हम फर्स्ट वाला करते हैं, 64 एंड 46, कौन सा बड़ा है? 64। तो हम इसकी तरफ ग्रेटर देन का साइन लगा दिए, ठीक है, समझ में आया। अब हम एक और एग्जाम्पल आपके लिए कर देते हैं, आई विल डू एफ फॉर यू। सी 243 या फिर 342, कौन सा बड़ा है इसमें? 342। सो हमने ग्रेटर देन का साइन इधर लगा दिया, ठीक है। चलिए 2 मैंने आपके लिए कर दिया, बाकी सब आप अपने से कॉपी में करेंगे। ओके नाउ आई विल कम टू क्वेश्चन नंबर 13 एंड सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमारे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इनमें जो सबसे बड़ा वाला नंबर है, दैट मीन्स जो इन सब में से सबसे बड़ा नंबर है, उसको हमें क्या करना है? एंड सर्कल, दैट मीन्स ऐसे सर्कल कर देना है उस नंबर को। ओके तो देखिए यहाँ पे हम एक देख लेते हैं, ये 107, 701, 170, 770, 707। तो इनमें से कौन सा सबसे बड़ा है? 770। तो देखिए मैंने इसको एनसर्कल कर दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको भी करना है। ओके चलिए एक और हम आपके लिए कर देते हैं, ई वाला, 678, 867, 768, 787 एंड 776। सो इस सब में से कौन सा सबसे बड़ा है? 876। तो हमने देखिए इसको सर्कल कर दिया, ठीक है। अब देखिए 2 मैंने आपको समझ में आया, 2 मैंने आपके लिए यहाँ पे कर दिया है, बाकी आप खुद से इसको करेंगे। ओके नाउ
कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, अरेंज द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, देखिए तो इसमें क्या करना है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग सॉरी इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, सो हमें इसमें क्या करना है कि जो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं इनको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब जो छोटा, जो सबसे छोटा नंबर है वो पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, एंड लास्ट में सबसे बड़ा वाला नंबर। ठीक है, तो नंबर क्या होता है, इंक्रीज होते जाते हैं इसमें, तो हम इसे क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर असेंडिंग ऑर्डर। ओके, सो हमें इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसको कैसे करते हैं। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले क्या है, 169, 93, 619, 39, 961, 196। ओके, ये हमारे क्या है, नंबर्स है। ठीक है, ये हमारे गिवन नंबर्स है। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, हमें इसे क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, तो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए तो अब इसमें से हम देखेंगे कि सर जो सबसे छोटा नंबर है इन तीनों में से वो कौन, सॉरी इन तीनों में नहीं, इन सब नंबर्स में जो सबसे छोटा नंबर है वो कौन सा है, 39। तो हम सबसे पहले लिखेंगे क्या, 39। ओके, देन इससे बड़ा कौन सा नंबर है, इससे बड़ा कौन सा नंबर है, 93। ओके, ये लिख दिया हमने। अब इससे बड़ा कौन सा नंबर है, देखिए 169, देन फिर क्या है 196, फिर क्या है 619, एंड देन लास्ट में 961। ओके, सो ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर, हमें इसे ऐसे ही करना है। ठीक है, समझ में आया आपको। ओके, तो चलिए मैंने एक आपके लिए कर दिया है, बाकी सब आप अपनी कॉपीज में करेंगे। ओके, नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, सी लुक हियर, क्वेश्चन नंबर 15, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें क्या करना है कि हमें नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, असेंडिंग का उल्टा होता है। ठीक है, असेंडिंग में हम क्या कर रहे थे, छोटे नंबर्स को पहले लिखते थे एंड देन बड़े नंबर की तरफ मूव करते थे, बट इसमें क्या करेंगे हम कि जो बड़ा नंबर है वो सबसे पहले लिखेंगे एंड देन छोटे छोटे नंबर की तरफ हम मूव करेंगे। ओके, तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो पहले लिखाएगा, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, एंड देन लास्ट में सबसे छोटा नंबर। ओके, तो हम बड़े से छोटे की तरफ मूव करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए मैं यहाँ भी एक आपके लिए कर देती हूँ। ओके, सो आई विल टेक एग्जाम्पल डी। ओके, मैं यहाँ पे डी एग्जाम्पल ले लूँ, आपके लिए यहाँ पे देखिए 91, 19, 109, 90, 901 and 190। ओके, तो ये हमने ले लिया। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है। अब हम देखेंगे कि इनमें से जो सबसे बड़ा नंबर है वो कौन सा नंबर है। तो कौन सा है, देखिए सबसे बड़ा कौन सा नंबर है, 901। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 901। ओके, ये हमने लिख दिया। अब इससे छोटा नंबर ढूंढते, तो इससे छोटा नंबर कौन सा है, कौन सा बताइए आप, ये 190। तो 190 हमने लिख दिया। ठीक है, अब इससे छोटा नंबर कौन सा है, 109, तो हमने लिख दिया। ओके, अब इससे छोटा नंबर 90, ये लिख दिया हमने, देन उसके सॉरी 91। ओके, ये है,
देन इसके बाद क्या आता है 90 एंड देन सबसे लास्ट में 19। ठीक है, तो आपको समझ में आया ये कैसे होता है। हम छोटे से बड़े, बड़े से छोटे की तरफ मूव करते हैं। ओके, नाउ आई विल कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। Write the place value of the underlined digit in each of the following numbers. यहाँ पे क्या है कि देखिए कुछ numbers दिए गए हैं हमें, ठीक है, इसके नीचे क्या है हर digit में एक digit, हर number में यहाँ पे एक digit के नीचे underline है और हमें उस क्या करना है, उस underlined digit की हमें place value बतानी है इसमें। ओके, सो हमें बस यही करना है कि जो डिजिट हमारे अंडरलाइन है उनकी प्लेस वैल्यू बतानी है हमें। तो कैसे होगा ये, चलिए आइए उसको देखते हैं। तो हम बताए थे कि प्लेस वैल्यू को हम कैसे पता करते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर क्या है 695 और किसके नीचे अंडरलाइन है 9 के नीचे। ओके, तो देखिए करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 का ए। ओके, 695 में हमें 9 की प्लेस वैल्यू पता करना है, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू पता करने के लिए हम बताए थे कि क्या करते हैं हमने, देखिए 9 का पता करना है, ठीक है। 9 तो इसको हम कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे 9 लिख दिया। प्लेस वैल्यू पता करने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर मल्टीप्लाइड बाय इट्स पोजीशन। ओके, तो ये क्या है, नंबर है और इसकी पोजीशन क्या है, देखिए 1s 10s, इसकी 10s पोजीशन है तो 10s में क्या होता है 10, सो ये क्या हो जाएगा 90। ओके, सो 9 की प्लेस वैल्यू क्या है 90। ओके, समझ में आया आपको, ठीक है। चलिए मैंने एक आपके लिए कर दिया है, बाकी आप खुद से करेंगे। ओके, ठीक है, अब देखिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। राइट ऑल पॉसिबल 3-digit नंबर यूजिंग ऑल द डिजिट्स 8, 3, 9। ठीक है, इसमें क्या करना है कि हमें ये तीन नंबर यूज करके, इन तीनों को नंबर को यूज करके जितने पॉसिबल नंबर होते हैं वो हमें लिखने हैं, ठीक है। तो हमें इन तीनों डिजिट को यूज करके जितने भी पॉसिबल नंबर बन सकते हैं हमें उसको लिखना है, ठीक है। तो देखिए चलिए हमें आपके लिए एक कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्या है, इन तीनों में कौन से डिजिट्स दिए गए हैं, 8, 3 एंड 9, ये तीन डिजिट्स हैं, ठीक है। इनको यूज करके हम कितने नंबर्स बना सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम क्या बना सकते हैं, 8, 3, 9 ये बन गया, ठीक है। इनको, इन तीनों को हम एक साथ लिख दें तो 839। नाउ 3, 8, 9 ये भी बन सकता है 389। ओके, अब 9, 8, 3 ये भी हो सकता है। अब क्या हो सकता है, 3, 9, 8। ओके, ये 398 ये हो गया हमारे पास एक नंबर। ओके, सो अब यहां पे लिखते हैं हम 8, 9, 3 ये नंबर भी हो सकता है एंड 9, 3, 8। ओके, सो इतने नंबर हमारे बन सकते हैं सिर्फ ये तीन नंबर्स को यूज करके। ओके, सो आपको ये समझ में आया, सेम जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है वो भी सेम है, ठीक है। राइट ऑल द पॉसिबल 3-digit नंबर्स यूजिंग ऑल द डिजिट 7, 2,
0, ओके। सो इन तीनों को यूज करके आपको फिर से ऑल पॉसिबल डिजिट्स बनाने हैं। तो ये सेम है, एक मैंने आपके लिए कर दिया है, बाकी आप खुद से करेंगे, ठीक है। चलिए तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। ये क्या है, एड द फॉलोइंग। ये एक सिंपल सा एडिशन है जो कि आपको करना है। मैं यहाँ पे दो आपके लिए करके बता देती हूँ, बाकी 19 से 38 तक आप खुद से अपनी कॉपी में उसको करेंगे, ओके। मैं एक टू नंबर वाला एडिशन आपको बता देती हूँ। ये क्या है, वन स्पेस वाला, एंड ये क्या है, टेन स्पेस वाला, ओके। सो 7 + 3 कितना होगा, 10, 0 एंड 1 यहाँ पे कैरी गया, ओके। सो 5 + 1 6, 6 + 4 10, ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया 100, ठीक है। अब एक और एग्जांपल मैं 27 वाला कर देती हूँ। 6 + 7 क्या होगा, 13, 13 का 3 यहाँ पे, 1 यहाँ पे कैरी किया। नाउ 7 + 4 11, 11 + 1 2, ओके। 11 + 4 12, 12 का 2, 1 यहाँ पे कैरी। नाउ 5 + 3 8, 8 + 1 9। तो आपको समझ में आया, ये एक सिंपल सा एडिशन है जो कि आपको करना है, ठीक है। दो मैंने आपके लिए कर दिया है, बाकी आप खुद से करेंगे। फ्रॉम 20 टू 38 आप अपनी कॉपीज में खुद से करेंगे उसको, ठीक है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, आगे का हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ओके। बाय, टेक केयर।